press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रिजन प्रिजन। आज हम बागुयाटी के रहने वाले सुब्रत दा के पास आए हैं, जो कि कबूतर के बेहद शौकीन हैं। तो आज हम कबूतर का शौक़ करेंगे दादा का, और दादा से बात करेंगे कि कबूतर का शौक़ कैसे हुआ दादा को। तो चलिए दादा से बात करते हैं। तो सुब्रत दा, हेलो, कैसे हो? हम अच्छे हैं। तो आपको जो कबूतर आप जो रख रहे हैं, तो इसका शौक़ आपको कैसे हुआ? मेरे अंकल से आया है। तो मेरा अंकल जो है वो कबूतर पूछता था, वो ग्रेवच पायरा पूछता था, तो मैं भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके कबूतर को शौकीन करने लगा है। फिर धीरे 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 मैंने जब जाना है जो कबूतर टूर्नामेंट होता है, तब मैंने पोसंदा के घर पे फंस गया था, तब खूब छोटा था मैं। अच्छा। तो उसी से हमको सीखा है जो ना कबूतर उड़ता जहाँ है तो इसको टूर्नामेंट मैं भी खेलूँगा। अच्छा। मैं भी ऐसे ही कबूतर में, किंतु बहुत छोटा सा ही मैं कबूतर, वो मेरा अंकल से आया है मेरा कबूतर का जो शौक़ है। तो आपको कबूतर का शौक़ लगभग कितना साल हो गया? तब मैं 3 में पढ़ता हूँ, क्लास 3 से। क्लास 3 में, मतलब हाँ, तब मेरा पापा ने मेरे को 15 रुपये में एक जोड़ा पर कबूतर खरीद के दिया था। चलिए, तो दादा का शौक़ लगभग 15-20 साल हो गया या ज़्यादा? उससे भी ज़्यादा, आज हम मेरा उम्र है 38 साल। ओके, दादा का उम्र 38 साल, तो 7 साल से मतलब 20 साल प्लस हो गया। प्लस हो गया, 25-26 साल हो गया कबूतर। 25-26 साल हो गया कबूतर का शौक़ करते हुए। तो दादा, आज के डेट में कबूतर का शौक़ को आप कैसे देखते हैं? कबूतर का शौक़ देखिए, कबूतर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, शांति का प्रतीक है। किंतु कुछ लोग जो है कबूतर को बदनाम कर देता है, कुछ लोग है बदमाशी करता है, बहुत लोग है। हर का सबका तो मेंटेलिटी समान नहीं है, कोई किसी को बुरा वाला कहता है। अगर कोई सच्चा मन से कबूतर उड़ाएगा तो उसको बोलेगा वो झूठा उड़ा रहा है, अगर कोई झूठा उड़ाएगा तो वो सच्चा हो जाता है, ऐसा ही बात होता है। तो इसलिए कबूतर आज के डेट में कबूतर का शौक़ को हमारे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस भी देते हैं, और कुछ लोग हैं इसको खराब भी बोलते हैं। तो चलिए दादा का कबूतर देखते हैं और शौक़ करते हैं, उसके बाद फिर दादा से कुछ बात करेंगे और भी। चलिए, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अवश्य। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखे खूब भारत लगे, दादा के खूब लाइक करबें, कमेंट्स करबें एंड शेयर करबें, तार जाते एक व्यू बाढ़े, क्योंकि बात आज आरो नतून नतून वीडियो अपन शक कराते पारे, खूब भालो भालो वीडियो अपन शक करा, बेस्ट ऑफ लक। ये आज सुब्रत दा के घर में आए हैं, जो कि बागुयाटी के रहने वाले हैं। उनका घर का कबूतर का शौक करने हम आए हैं। तो आज देखिए इनका घर में जो कबूतर है, ये अड्डा है दादा का घर में। तो इसके बाद ये सब मादी कबूतर है, इसके बाद ये सबको शौक कराएंगे, तो वीडियो पे बने रहें। तो ये हमारा पहला वीडियो होगा, पार्ट 1 वीडियो होगा मादी का, और पार्ट 2 वीडियो होगा आपका नर का। तो चलिए देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। चलिए, जो फुलसरा मेन बीडर, जो फुलसरा लाइन का जो कबूतर मैं उड़ाता हूँ उसका मेन बीडर, दादा के घर में जो फुलसरा जो आंध्रा का जो आंध्रा का ब्रीड्स है उसका मेन ब्रीडिंग ये पेयर है। ये मादा है, देखिए कितना शानदार हेडलाइन है, आँख का पट्टी वगैरह, आँख देखिए, वाह बहुत शानदार फेस ऑफ ब्यूटी। इसका पर वगैरह थोड़ा देखिए दादा, ये पर काट के रखा है, इसको दाढ़ी कर लिया ना, ये मेन ब्रीडर है, जितना बच्चा उड़ाता हूँ यही मेन ब्रीडर है। तो इसको आर उड़ाते नहीं यार। चलिए, ब्रीडर कबूतर है। ओके, बहुत शानदार। तो ये सब दादा ने आंध्रा से कलेक्शन किया है, आंध्रा का मतलब दादा को किसी ने दिया है, मगर आंध्रा से डायरेक्ट लाया हुआ है, दादा गए नहीं थे। चलिए, ये उसी कबूतर का बेटी है, ये फुलसरा का बेटी है, आंध्रा ब्रीड्स। तो सुब्रत दा के घर में आज हम आए हैं कुछ खास कलेक्शन देखने। देखिए,
पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शानदार कबूतर का कलेक्शन दादा रखे हैं, वाह बहुत शानदार। ये देखिए और एक दादा के घर में। सुब्रत दादा ये कौन सा मतलब नस्ल का है? ये भी आंध्रा का ही है, उसी का भाई है। ओके आंध्रा का ही है मगर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है ना? ना वैसा ही निकलेगा, ये फुलसिया का बेटा है। ओके ठीक है, आस्ते आस्ते चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। इस बार ही दो बेटा निकला है एक ही प्यार से। ओ, दो दोनों नर, दोनों नर बच्चा है। तो एक ये है, अब दूसरा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी चार पर का हुआ है कबूतर, अढ़ाई पर का हुआ है ये, चार घंटा क्रॉस करके, चार घंटा प्लस उड़ता है अभी, अभी उड़ता है। वाओ बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये देखिए अभी जो नर दिखाए थे और इसका भाई, एक ही धाड़ी का, एक ही धाड़ी का बच्चा है, दोनों ही और बेटा। हाँ एक ही बार में दो नर निकला है दादा का, वही है ना ये दोनों नर निकला, दोनों निकला एक ही बार में। तो बहुत जानदार है, शानदार चीज है, बहुत अच्छा। तो ये सब उड़ान टेस्टिंग हो गया है? हाँ अभी तो चार घंटा उड़ा है, अभी बैठा हुआ है कबूतर। अभी बारिश के टाइम में कम ही उड़ाते हैं लोग। चलिए पावेटे नस्ल का कबूतर, ये सब तपंदा का ब्रीड्स है पावेटे। बहुत उड़ाना है इस कबूतर में, छोटा ऐसा देखिए, एक विगत का कबूतर है, एकदम छोटा नस्ल है। इसका उड़ान कितना शानदार होगा सोचिए आप, ये सात घंटा प्लस करके उड़ा है अभी। ओके चलिए इसका फायदा दिखाई दे रहा था। वाह बहुत जानदार, आठ पर का कबूतर है, आठ पर का कबूतर है मगर लग रहा है बच्चा कबूतर, सिंगल दुम देखिए। वाह उसका पंजा, जानदार है दादा। ये देखिए ये लाल सीरा जो इससे पहले जो दिखाए थे उसका बेटी है, इसका आँख वगैरह देखिए, ये पूरा अलग ही निकला है इसलिए हम इसको धारी कर दिया है। यहाँ ये चीज फिर मिलेगा नहीं, क्वालिटी कभी कभी ऐसा क्वालिटी आता है। बहुत जानदार, आँख वगैरह देख रहे समझ में आ रहा है ना? वाओ बहुत अच्छा, ये बीडर होगा। हाँ ये कुछ कुछ कबूतर में क्वालिटी हो जाता है कि हाँ ब्रीडर, और कुछ कबूतर जन्मदाता होते हैं कि वो जन्म देने वाले होते हैं उड़ान का जनरेशन को, वैसा ही कुछ है इसमें भी, कुछ खास बात तो है। चलिए कबूतर का दीदी है इसका, आँख देखिए उड़ा ला, उसी का बहन है ये, इसका आँख टोटली डिफरेंट है, सही बोला दादा ने। तो कुछ कुछ जनरेशन में वो होता है ब्लड लाइन में, तो कभी कभी वैसा पैटर्न आ जाता है। ये भी रात 12 तक उड़ा है, मतलब ये अभी उड़ान कर चुका है। बहुत शानदार, उसका पंजा सब सब हाई फ्लाइंग पिजन है। ये देखिए तपंदा का ब्रीडर है मादी चुटियल, बहुत शानदार। इसके आँख में एक डॉट जैसा हो गया, टाकी जैसा, टाकी जैसा है। हेडलाइन भी बहुत शानदार है, दोनों आँख दो तरफ है। ओके ये टाकी कबूतर ही है, टाकी आँख वाला। ये भी छोटा नस्ल का है, एकदम छोटा वजूद का कबूतर है, बहुत जानदार चीज़ है दादा जो आज दिखा रहे हैं ना, बहुत शानदार शानदार कलेक्शन दिखा रहे हैं। मम्मी है ठीक है, माँ है, लालसिरा जो कबूतर है उसका माँ है ये कबूतर, ये लालसिरा का माँ है। देखिए पैटर्न पूरा डिफरेंट है,
देखिए सवांद्रा ब्रीड से हेडलाइन वगैरह देखिए बहुत शानदार, खड़ान समझ में आ रहा है, बहुत शानदार। ये देखिए ये कलंका, ये तोपुंदा का ब्रीड है क्या? हाँ, तोपुंदा का ब्रीड है। हेडलाइन वगैरह इतना शानदार फेस, और ये अभी मादी का इलेक्शन है, ये सब ये उड़ान कर चुका है ना दादा? हाँ, ये भी रात बाराटा बड़ा ओके, मतलब डे एंड नाइट खेल चुका है। ये भी डे एंड नाइट खेल चुका है, दोनों मैच खेला है पर दो सप्ताह बैक टू बैक खेला है। हाँ, बैक टू बैक खेला है जो कबूतर मैंने देखा, मतलब इसका परफॉर्मेंस देखिए समझ जाएंगे कितना जानदार चीज़ है, बहुत अच्छा। पहले डे नाइट में रात को 8 बजे मैंने 16 घंटे तक उड़ा था, 12-14 घंटे तक उड़ा था, 14 घंटा 16 घंटा उड़ा था, फिर डे नाइट में 18 घंटा उड़ा है कबूतर अगले सप्ताह में। मतलब बैक टू बैक डे नाइट दो बार खेल चुके हैं मादी, तो दोनों जो कबूतर मैंने देखा है दो सब कबूतर खेल चुका है, 11 कबूतर खेला है मेरा। ओके, सबका दोनों सेट सेम था, दोनों बार सेम सेट, एक ही सेट था, उसमें दो कबूतर खाली चेंज हुआ है, वैसा बात बात बाकी दोनों 11 में एक ही सेट था, ये सब मादी सब दोनों में खिला है। देखिए डे एंड नाइट का कबूतर देखिए, और एक लाल आँख वाला, ये भी तोपुंदा का ब्रीड नहीं, ये मेरा खुद का ब्रीड है, मेरा बूढ़ा का बेटी है, बाहर वाला जो बूढ़ा है उसका बेटी है। तो बूढ़ा बहुत सुन रहे हैं, चलिए बूढ़ा को देखेंगे भी। तो बूढ़ा का भी 16 साल हो गया बैस, उसका उम्र हो गया 16 साल, 16 ईयर्स कम्प्लीट हो गया उसका भी उम्र। चलिए ये सब कबूतर बहुत उड़ता है, उसका जो बच्चा निकलता है हर कोई मादी से लगाऊंगा तब भी बहुत उड़ेगा कबूतर, वो हाँ, मेन ब्रीड में जो क्वालिटी है हाँ, सबके अंदर में आ जाता है। हाँ, सबके अंदर आ जाता है। तो सुब्रतदा के घर में जो कलेक्शन देख रहे हैं आज, उम्मीद करता हमारे दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। इसमें KGN 5 है। ओके, KGN 5 है। हाँ, KGN 5 है इस सब कबूतर में, ये भी डे नाइट खेल चुका है। हाँ। ये देखिए, और एक दादा के घर में, ये कौन ब्रीड है दादा? ये 8-7 ब्रीड का कबूतर है, इसमें हमने वो अलग से मादी लगाया था, हमको मालूम ही नहीं है वो कौन सा ब्रीड का है, ब्रीडर लाइन का है, किंतु इसका जो बाप था मैं उसको जानता था, जो वो नसलदारी घर का कबूतर है। ओके, तो मतलब 8-7 हाँ, जिसके घर का था वो बहुत नामचीन कई घर का था वो कबूतर, तो उसी से हमने एक ही बच्चा निकला था, तो बिन पर से अभी तक अभी मेरे पास उड़ रहा है, इसका अभी उम्र 13 साल हो गया। इसका उम्र 13 साल हो गया, अभी भी कितना दौरे उड़ता है? अभी भी इस साल शीत में सब टूर्नामेंट में ओवर मारा है ये कबूतर। ये सब में ओवर कर चुका है। हाँ, ये मादी कबूतर है, देखिए ये पैटर्न वगैरह देख के लग रहा है नर है। मैंडस का जो कबूतर है ये सबसे पहला बच्चा है। ओके, मेरा टाली का घर का ये कबूतर है, तभी मेरा गाछ में आम गाछ था, बहुत गाछ था, नारकेल गाछ था, उसी झोप से नामता था ये कबूतर, 8-10 फीट का माने एक गैप था, उसी से निकल पूरा उतर जाता था। मतलब नजर जीरो पावर का जो लाइट होता है ना उसी से इसका सेटिंग है। हाँ, इतना हाई सेट है इसका अंधकार में, मतलब वो क्वालिटी जो है ना वो क्वालिटी बहुत जानदार क्वालिटी होगा इसको। अभी भी मैंने उड़ाया है, मेरा घर पे एक इमरजेंसी लाइट है, उसको खाली इसके ऊपर मैं बैठा दिया, ये कबूतर उतरा है सिर्फ इमरजेंसी लाइट। मतलब कितना जानदार क्वालिटी, बेटी भी यही करता है, इसका एक बेटी है वो 8-7, इसको मैंने 8-7 कबूतर से ही बीडर किया है, इसका एक ही बेटी है, ये दो कबूतर थोड़ा अलग है, बट बाकी मेरा जितना कबूतर है वो सब एक ही नस्ल का है। ये देखिए ये उस सेम कबूतर का ये बेटी है, ये माता, वो माँ थी और इसका बेटी है ये। एक कबूतर का एक हैसियत खूब अच्छा है, अगर मैं जब टूर्नामेंट खेलूँगा 3-4 ओवरान दूंगा ये कबूतर लाइट पकड़ लेगा। मतलब इसमें अंदर में उड़ान है, क्वालिटी इतना जानदार, 3-4 उड़ान में ये कबूतर लाइट पकड़ लेगा। मतलब इसको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता है। खूबी है। फेस ऑफ ब्यूटी देखिए, इसका पर वगैरह थोड़ा देखिए दादा, वाओ पतला फेदर है देखिए। ये कबूतर नहाता भी नहीं है, पानी में उतरता ही नहीं है,
फिर भी उड़ता है। मतलब ये तो आज मैंने पहले ही सुना कि कोई साल में एक बार भी नहाता नहीं, अगर बारिश होगा तब नहाएगा। ऐसे कभी नहीं, कभी पानी में नहीं उड़ता था, खुद से नहीं उड़ता था। हाँ, खुद से नहीं उड़ता था किंतु उड़ान कम नहीं है इसका। हेडलाइन वगैरह बहुत इसका, इसका पाँव देखा ही दादा, थोड़ा इसका पाँव देखने के मुझे उत्सुकता हो गई। जो कैद देखिए इसका, वाओ वाओ। हमारे दोस्तों को आज बहुत ही मज़ा आने वाला है और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए इस कबूतर के बारे में और इसके उड़ान के बारे में। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। दी दिखाया था उसका माँ है ये। ओके, टाकी का ये मदर है, क्रूस में है थोड़ा सा, देखिए ये टाल भी है। ओके, ये कबूतर पुराना हो गया। हाँ, पुराना हो गया, इसको बहुत मेहनत करके इसको बचाया है, बहुत मेहनत करके। कोई देख के नहीं बोल सकेगा ये टाल हुआ था। हाँ, क्वालिटी देखिए समझ में आएगा, आपका पट्टी वगैरह बहुत शानदार। टाल हो चुका है, अब ब्रीडिंग करता है ये। हाँ, ये तो इसी का बच्चा, वो जो चोटियाल दिखाया मैंने अभी, ये देखिए। और एक ये भी आंध्रा कबूतर है, ये आंध्रा का है, आंध्रा ब्रीड्स, बहुत शानदार शानदार चीज़ है। देखिए छटपट कितना कर रहा है कबूतर, उसका पर वगैरह देखिए, पर झाड़ है अभी, मोल्डिंग में है, मोल्डिंग में है, बहुत सुंदर। वाह देखिए पाँव, देखिए देखिए फेस ऑफ ब्यूटी, बहुत सुंदर। देखिए इसका खान देखिए, ये अभी पाकिस्तानी ब्रीड्स जो टेडी चल रहा है ना, टेडी में देखिए खरान कैसा होता है, उससे जानदार खरान दिख रहा है, बहुत शानदार। ये देखिए ये अब लुक, अब लुक, वाओ जानदार। ऊपर खींच करके रख दिया, दस दस सादा है इसका, और लेज भी सादा है कबूतर। हाँ, इसका देखा पैटर्न बहुत शानदार लग रहा है, दुम पर माथा सब सादा सादा है। देखिए फेस ऑफ ब्यूटी देखिए, बहुत शानदार जानदार चीज़ है दादा। वाह ये देखिए, ये और एक, ये कौन ब्रीड है दादा? ये बूढ़ा का बेटी है मेरा, जो बाहर का। चलिए बहुत दिन देरी से सुन रहा हूँ बूढ़ा बूढ़ा, तो इसको भी देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहें, कुछ खास कलेक्शन अभी आने वाला है ब्रीडिंग पे, जो सब कुछ दादा अभी ब्रीडिंग में रखे हुए हैं तो सब भी आएगा। मेरे पास जो नस्ल है यही नस्ल सबसे बेहतर है। ओके, सबसे बूढ़ा सबसे, सभी उड़ता है मेरा कबूतर, किंतु इसका जो बच्चा निकलता है बूढ़ा का, वो बहुत नस्लदार है। ओके, बहुत क्वालिटी में कमी नहीं है इसमें। नहीं देखिए बहुत शानदार आपका पट्टी वगैरह देख रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जब मैं मेरा कबूतर मैं इतना उड़ाऊंगा, कभी 18 घंटा उड़ाऊंगा, कभी कभी नहीं सोचा था। सही सब बात, इसी का, इसी कबूतर का सब दान है, जो ये लोग का खमोता है ये लोग हमको दिखाया है। जो कबूतर, हाँ, कबूतर का जो शौकीन है ना, उसको उनका कबूतर ही से उनका नाम होता है। मेंटेन तो हम लोग करते हैं, मगर मेंटेन तो हम लोग करते हैं, मगर कबूतर अपना उड़ान दिखा के वो अपना घर का, अपना नस्ल का पहचान। ये भी आंध्रा ब्रीड है, ये भी आंध्रा ब्रीड है, इसमें हल्का रेगदार का, रेगदार का जैसा टच है। पूरा नहीं आया, पूरा नहीं है, कट जाएगा, पूरा चौक कट जाएगा, रेगदार हो जाएगा ना, काला हो जाएगा ना, रेगदार हो जाएगा, रेगदार हो जाएगा ना, लग ही रहा था रेगदार जैसा। तो दादा आज बहुत शानदार शानदार कलेक्शन दिखा रहे हैं, तो ये देखिए फेस ऑफ ब्यूटी,
दादा को थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तभी जितना सारा कलेक्शन दिखाए हैं दादा का, ये पार्ट वन वीडियो है, पार्ट टू वीडियो नर का आएगा। तो वीडियो पे बने रहें और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। ये एक पाबेटे नॉर है और एक बूढ़ा का बेटी है, ये बूढ़ा का बेटी है चोटियल। वाओ चोटियल हो तो ऐसा, इतना शानदार, देखिए क्वालिटी देखिए, समझ में आ जाएगा। ये दोनों भी अभी बच्चे में है, बेटा बेटी है। और ये देखिए, ये दोनों बूढ़ा का बेटा बेटी है और इसका बच्चा हो रहा है दोबाज। नहीं दोबाज इसका डीम फट गया था इसलिए हमने डीम चाल दिया था। ओह सॉरी, जो दोबाज मादी है ना उसी का डीम बच्चा है ये। ओके 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 ओके, सॉरी मारपीट करते हुए फट गया था, सॉरी। चलिए इसका बच्चा है, एक तो बच्चा। ये देखिए यार, एक यहाँ पे भी है कबूतर, कबूतर है ये, आँखों का लाइन, आँखों का जो नॉर दिखाया उसी का बच्चा है। ये देखिए, ये बूढ़ा का बेटा, इसका आँख वगैरह देखिए। इसको हमने धारी करके रखा है, कभी नहीं हुआ है। इसको उड़ाया ही नहीं, नहीं इसको कभी नहीं हुआ है। मतलब इसका क्वालिटी आपको समझ में आ गया तो आपने रख दिया, रख दिया। हाँ। मतलब मिस नहीं करना है, नहीं। ये बाप का बहुत, इसका बच्चा दो तीन तो बच्चा बाज ने खा लिया था इसलिए हम इसको धारी करके रखा है। ठीक है जी, बुरा ये सही है, एक जनरेशन नहीं तो खराब हो जाएगा पूरा, पूरा जनरेशन अगर खाए के खा के चला जाएगा तो हम क्या करेगा। और इसका इसका बाप का भी बहुत उम्र हो गया है, और यहाँ पे बाज का भी बहुत उत्पात है, बहुत उत्पात है, बहुत परेशान होते हैं बाज से। ये रहा उसका बेटा, उसका बेटी है, ये बूढ़ा का बेटी है, ये भी लग रहा है डे नाइट खेल चुका है। ये अभी सबसे ज्यादा उड़ता है। ओके, सबसे ज्यादा है ये वाला कबूतर। इसका उड़ान कितना घंटा अभी तक? इसका घंटा 18 घंटा 12 मिनट उड़ चुका है। ओके, 18 घंटा 12 मिनट। इस पर गर्मी में भी ये ओवर हो चुका है, देखिए गर्मी में भी उतरा है 8:35 में गर्मी में ये कबूतर इस साल। बहुत सौंदर, ये पाबेटे नर का, इसका आँख देखिए, आँख का पट्टी, बच्चा खिला रहा है थोड़ा गंदा होके, देखिए लग रहा है ये आँखों वाला कबूतर के जैसा इसका लग रहा है। इसका पर वगैरह देखा जाए तो बहुत जानदार है, जानदार चीज़ है दादा। वाह बहुत खूब, देखिए ये मादी है, अभी जो नर दिखाए थे उसका मादी है, बहुत खूब चोटियल है, बहुत शानदार चीज़ है। ये भी कभी नहीं उड़ा है, इसको भी नहीं उड़ाया, इसका बेटी उड़ाया है मैंने। ओके, मतलब ये जनरेशन आप रख दिया आपने। हाँ। तो इससे जो अब तैयार हो रहा है वो एक दूसरा जनरेशन तैयार हो रहा है। हाँ। दादा के घर का जनरेशन। हाँ, ये मेरा घर का जनरेशन है और वो तपंदा का नॉर्थ से बच्चा किया है, पाबेटे नॉर्थ से। बहुत शानदार बच्चा, 7 घंटा गर्म। ये देखिए, ये एक नर पे कौन, ये वाला माथा टक हो गया जिसका। हाँ, ये वाला ये नर है। ओ, सबसे ये नर है, ये दादा का घर का मेन है, ये बूढ़ा जो बोल रहे था दादा, 16 साल उम्र हो गया इसका, और इसका जितना बाल बच्चा भी दिखाया दादा ने। चलिए, नर का दिखाया था ना उसी का बेटी है। ये देखिए, ये केजीएन मादी, इसमें भी आँख का क्वालिटी हल्का हल्का है, आँख में क्वालिटी है, हेडलाइन वगैरह देखिए, इसको मार के टकला कर दिया है। हाँ, वही नॉर किया था। ओके। ये बुरा ही नॉर किया था इसको। ओके, बहुत चंदा। तो इतने देरी से जब सुन रहे थे बूढ़ा बूढ़ा, तो ये है बूढ़ा, ये दादा का मेन ब्रीड्स, ये ब्रीडर है घर का। ये कबूतर भाग गया था, 18 दिन बाद आया था कबूतर। भाग के किसी ने पकड़ा ना ऐसे ही, कोई नहीं पकड़ पाया।
18 दिन घूर के फिर मेरा घर को आया। हाँ, ये क्वालिटी होता है ना, सही क्वालिटी। इसमें नाक का फूल वगैरह देखिए, आँख का पट्टी देखिए, इतना जानदार चीज़ है। बहुत शानदार। इसका पर वगैरह कटा हुआ है? नहीं कटा नहीं हुआ। ये तो मेरा सेटिंग कबूतर है ना, वो जब से वो निकल गया, मैंने निकल गया था फिर आया, तब से मैंने इसको पर नहीं कटाया। हाँ, ये तो होता है, एक बार घर आ गया मतलब और वो किसी के पास नहीं जाने वाला। चलिए, ये कबूतर मैंने लॉट से खरीदा था। ओके, 56 लोगों ना पायरा के खरीद मैंने था। 56 का ही, 56 का कबूतर में ये बेस्ट कबूतर, बेस्ट कबूतर एक निकला, एक निकल गया। इसको ही हमने रखा था और सबको बेच दिया, इसी कबूतर को रखा था। 56 लोगों का कबूतर, बहुत शानदार। ये देखिए, बूढ़ा का बेटी है, ये दूसरा प्यार है। देखिए आँख, हेडलाइन, नाक का फूल वगैरह। ये भी इस साल उड़ेगा फिर शीत में। ओके, तो अभी अंडा बच्चा का रेट है? हाँ, फिर उड़ाइएगा इसको। हाँ, भी अभी अंडा बच्चा, तो दोनों बच्चा हुआ है इसका। ओके, चलिए। ये देखिए, और एक दादा के घर में चोटियल, बहुत सुंदर है। ये तपंदा का ब्रीड है। ओके, ये तपंदा का ब्रीड है। दादा के घर में 2-3 ब्रीड ही है। हाँ, एक तपंदा का है, एक एक बूढ़ा का, बूढ़ा का पूरा जनरेशन है, पूरा जनरेशन है, और एक तपंदा का है, एक केजीएन ब्लड का पायरा है। ये तीनों मड्डस कबूतर है, और जो टिपला है तो अलादा ही है। मतलब टोटल 4 ब्रीड हो गया दादा का। चलिए, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों को उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा। ये देखिए इसका प्यार, अभी जो दिखाए हैं इसका बच्चा है, ये बाप है, ये माँ है। चोटियल हुआ है, एक नैना माता हुआ है। देखिए इसको झूठी हुआ है, चोटियल हो गया, बहुत सुंदर। ये देखिए मेड्रास कबूतर है, दादा के घर में मेड्रास एक। देखिए इसका नाम है धर्मेंद्र, दादा ने रखा है। और इसको हेमा मालिनी को भी दिखाएंगे अभी दादा। बहुत बहुत सॉलिड कबूतर है दादा। मगर ये उड़ान वगैरह है इसका नहीं? इसका बच्चा उड़ाया था हमने, 3 घंटा से ज़्यादा नहीं उड़ा है। ओके, तो दादा इसको दूसरे काम के लिए रख दिए अभी। हाँ, देखिए बहुत सुंदर ये हेमा मालिनी, धर्मेंद्र का हेमा मालिनी। देखिए वाह, बहुत शानदार। दोनों बच्चे लगे, पूरा समान, एक समान निकला है ये बच्चा। ये अंडा का कबूतर है। ओके, इसको अंडा बच्चा चालने के लिए रखे दादा। सेम मतलब छोटा बड़ा नहीं है, नर्म आदि जो है सेम एकदम, बहुत बहुत सॉलिड इसका खिलाना पिलाना है। देखिए, चलिए, थैंक यू।